अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गुज़ाइडल मेथड या फिर गुज़ाइडल आइट्रेटिव मेथड भी इसको कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इस मेथड को गुज़ाइडल ऑफ सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। ये तीन नामों के साथ इसको हम जानते हैं, मोस्टली हम इसको गुज़ाइडल मेथड के साथ ही जानते हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग गुज़ाइडल मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फॉलो द टू स्टेप्स एंड वी डिस्कस दीज स्टेप्स इन दिस इक्वेशन इन दिस एग्जाम्पल बाय यूजिंग गुज़ाइडल मेथड्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक इन फर्स्ट स्टेप दैट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर डायगोनली डोमिनेंट और नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक the system of linear equations that they are diagonally dominant or not, okay. First we check this equation, equation number 1, equation number 2, equation number 3 respectively. Equation number 1, absolute value of 11 will be greater than absolute value of 2 means coefficient of x2 plus absolute value of x3 coefficient of x3 is 1. 11 absolute value of 11 is 11 and 2 value of absolute value of 1 is 1 and this is 2 plus 1, 3. As you can see that equation 1 is diagonally dominant. Means that कि जो x1 का coefficient है उसका जो हम इसका जो absolute value लेते हैं वो greater होनी चाहिए x2 और x3 की जो absolute value है, ठीक है, उनके सम से ग्रेटर होनी चाहिए। नेक्स्ट सिमिलरली वो चेक x2, ठीक है, विल बी ग्रेटर देन सम ऑफ दीज एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है, मीन्स 2 प्लस 1 एंड दिस इज आल्सो ग्रेटर देन। नेक्स्ट फॉर थर्ड इक्वेशन वी चेक फॉर x3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 will be greater than sum of these coefficients. It is also 2 plus 3 is 5 and 8 greater than 5. It means that given system of linear equations are in diagonally dominant form and we can write given system of linear equations are in diagonally dominant form. Now we move our second step first we write these equations as for x1 then for x2 then we write the equation for x3. Equation for x1 will be 1 over 11 into 15 2x2
जब शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब x3 को शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस 2x2 माइनस x3। सिमिलरली हमारे पास x2 विल बी इक्वल टू 1/10 इंटू 16 x1 एंड 2x3, दोनों को हमने शिफ्ट कर देना दूसरी साइड पे, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस x1 माइनस 2x3। x3 विल बी इक्वल टू 1/8 इंटू 1 माइनस 2x1 माइनस 3x2। नाउ वी विल लेट इनिशियल गैस फॉर आवर फर्स्ट आइटेशन, या फिर गुजाइडल मेथड को प्रोसीड करने के लिए हम इनिशियल गैस जो लेट करेंगे वो होगा हमारे पास लेट x1 x2 x3 विल बी इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। हम इनिशियल गैस लेके चलेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेटर पर इसको कैसे टाइप करेंगे और कैसे हम जो है इसको फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है x1। अब स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर पर x1 की जगह यूज़ करेंगे a, x2 को रिप्लेस करेंगे b के साथ, x3 विल बी रिप्लेस बाय c, ठीक है। ऑन कैलकुलेटर वी राइट द इक्वेशंस फॉर x1 मीन्स दैट ए फर्स्ट इक्वेशन विल बी अल्फा प्रेस ए, अल्फा अगेन प्रेस इक्वल एंड 1/11 इंटू 15 माइनस 2x2, ठीक है। ये मीन्स दैट कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी इक्वेशन हम लिखेंगे वो होगी हमारे पास 1/x2 1/11 15 माइनस 2x2, x2 की जगह हम रिप्लेस करेंगे b, 2 अल्फा प्रेस b माइनस x3 विल बी रिप्लेस बाय c। कैलकुलेट इनिशियली वी विल पुट b इज इक्वल टू 0 इक्वल प्रेस, c इज इक्वल टू 0 इक्वल प्रेस, इक्वल अगेन प्रेस एंड वी शिफ्ट दिस वैल्यू इज विल बी इक्वल टू 1. अप्रोक्सीमेटली 1. एंड वी पुट दिस वैल्यू ऑन द टेबल। हियर इज अ टेबल एंड सीरियल नंबर मीन्स आइट्रेशन नंबर, फर्स्ट आइट्रेशन एंड वैल्यू ऑफ ए मीन्स x1 इन द फर्स्ट आइट्रेशन विल बी 1. अप्रोक्सीमेटली 3 6 4। नेक्स्ट वी विल राइट द इक्वेजन फॉर बी मीन्स x2 टू फाइंड x2 वैल्यूज ऑफ x2। We will press AC to save this equation. Alpha press B, alpha again press is equal to 1/10 into 16 minus x1 means A minus 2
X3 means X3 C. Press CALC. Call value of A. Now here is a point, very important point in Gauss-Seidel method. We will use first in the first iteration approximately the first approximation of first iteration will be our iteration 0 0 0, and we will put it in the equation 1 x1, and we find the value of x1 means A. Value is 1.364. Now again when we write the equation, x2 means B equation. To find the value of B means x2 find करने के लिए जो हम equation में values put करेंगे, we don't put x A is equal to 0 or x1 is equal to 0, which we consider our initial guess. जो कि हमने अपना initial guess consider किया है ना, उसमें x1 की जगह हमने अब 0 put नहीं करना, बल्कि जो values आई है 1.364, this value we will put for to find the value of B or x2. x2 की value find करने के लिए हम A की जगह, मतलब x1 A की जगह value put करेंगे 1.364. And C is equal to 0. Value is 1.464. Now press AC. Again we write the equation for C. Alpha press C is equal. Alpha press C is equal to 1/8 into 1 − 2 x1 means A −3 x2 means B. Calculate. Now we will write the values of A, 1.364, and value of B will be 1.464. Value of x3 will be −2.765. Now second iterations. In the second iterations we will put similarly to find A. Calculate press. B is equal to put kiya humne 1.464, and B is equal to −0.765 will be equal to, that is our value of x1 means A. Now we will find the value of B means x2. B is equal to aega hamare paas A की वैल्यू हम पुट करेंगे. अब हमने A की वैल्यू न्यू फाइंड कर ली, इसको हम पुट करेंगे, ये हमारे पास 1.67 आएगी. फिर C इज इक्वल टू, हम जो पुरानी वैल्यू वो ही पुट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1.636. इसी तरह क्वेश्चन नंबर C जो है, C में कैलकुलेट करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 1.167 और B की वैल्यू पुट करेंगे 1.636.
6 3 6 equal press, answer is 0 minus 0 point. Again A calculate, B is equal to, we will put 1.636, and C is equal to -0.780. A is 1.137 in the third iteration, and we will calculate B. A is equal to 1.137 equal press, B C is equal to -0.780. Value will be 1.642. C calculate, A is equal to 137, B is equal to 1.642. C will be 0.775. Now again A calculate in the fourth iteration. B is equal to, we will put 1.642, and C is equal to -0.775775 is equal press, and value will be 1.136. Now for x2 means B calculate press kiya humne, to a ki jagah humne value put karni hai 1.136 equal press, c ki value wahi rahegi previous jo ye wali इक्वल प्रेस किया तो हमारे पास ये न्यू वैल्यू आ गई 1.641। नेक्स्ट हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सी की इक्वेशन है हमारे पास ये वाली, और इसमें ए की वैल्यू पुट करेंगे न्यू वाली वो है यही, और सी इसी तरह जो बी की वैल्यू पुट करेंगे वो ये वाली 1.641 इक्वल प्रेस किया, तो ये हमारे पास आ गई 0.774। अगेन हम इसको प्रेस करेंगे और इक्वेशन ए निकालेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे ए की जगह हम बी की वैल्यू पुट करेंगे यही 1.641, एंड c इज इक्वल टू माइनस 0.774 प्रेस किया तो 1.136 अगेन वही वैल्यूज फिफ्थ आइट्रेशन में आ गई। नेक्स्ट हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर ए के लिए, बी के लिए सॉल्व करेंगे इसको, बी इक्वेशन है ये, कैलकुलेट ए की वैल्यू पुट की हमने 1.136, और सी की वैल्यू वही सेम रहेगी, बी की वैल्यू अगेन हमारे पास 1.641 आ गई। ठीक है, सिमिलरली सी के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो सी के लिए आ जाएगी ए की वैल्यू वही, बी की वैल्यू 1.641, ये हमारे पास अगेन वही वैल्यू है। मीन्स दैट फिफ्थ आइट्रेशन पे हमारी जो वैल्यू है वो रिपीट होना शुरू होगी, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो ये होगा, x1 की वैल्यू ये, x3 की वैल्यू ये, 2 की वैल्यू ये, और 3 की वैल्यू ये। दैट्स आवर पोसाइडन मेथड। If you have any question about this lecture, you can ask in the comment box, and our lecture will be end up.
अल्लाह हाफिज़।